की गुणवत्ता, परिसर की व्यवस्था और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो गीता पुरी से जुड़ा हुआ है और कई राज्यों में बात हम लोग कहते हैं कि पाठशाला प्रयोगशाला होती है, लेकिन जीवन को इस बंधन से जोड़ता है शिक्षक। जीवन के उस सुनहरे भविष्य को एक सुनिश्चित करता है विद्यालय का परिसर, उसका वातावरण, उससे समर्पित उसके गुरुजन। परीक्षा देने जा रहा है, आप एग्जामिनर हैं, सारे हमारे ऑडियंस एग्जामिनर्स हैं और अभी माननीय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेश श्याम सिंह जी जीवी कॉलेज रामगढ़ आपकी उपस्थिति हुई है। एक कार्यकर्ता हूँ और उस महाविद्यालय में इतनी व्यवस्था इस समय चल रही है, विगत एक सप्ताह से पूरा एनसीसी का कैंप चल रहा है, उतना साझा करेंगे और ये कार्यक्रम बिल्कुल निरंतर जारी रहेगा। अब उसके लिए एक समय सीमा नहीं दी गई है कि 8 बजे तक यात्रा रहेगी, 9 बजे तक रहेगी या 10 बजे तक रहेगी, चाहे जितने बजे तक रहे, आप हमारे हमराही हैं, आप हमारे हम सफर हैं और आइए वादा करते हैं कि जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बच्चे हमारे इस कड़ी में हैं, हमें विश्वास से कोई संभावनाओं के प्रति नहीं जाता है। हमारे शिक्षकों ने जितना श्रम जितना परिश्रम किया है, चूंकि ये कार्यक्रम था, अभी हमारे प्राचार्य विद्वान प्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश श्याम सर जी, जिनके दीप प्रज्वलित हो रहा है और दीप प्रज्वलित होने का ये संदेश है, एक संकेत है और बड़ा ही शुभ संकेत है कि कार्यक्रम जिसकी उम्मीद लेकर आए पाए हैं, एक केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं है, एक रिक्रिएशन नहीं है। मैंने कहा कि आप केवल दर्शक नहीं है, आप आज की जो परीक्षा हमारे बच्चे दे रहे हैं, आज जो परीक्षार्थी हैं और उसका मूल्यांकन आपको करना है, उसकी मार्किंग आपको करनी है, इनकी प्रस्तुति की कॉपी आपको जांचनी है। हम बाद में आपका समर्थन और आपका सुझाव जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, दीप प्रज्वलित होगा। माननीय मनोज कुमार सिन्हा जी पूर्व रेल राज्य मंत्री भारत, अतिथि समूह के श्रेष्ठ हैं, माननीय विधायिका जवानिया उनका भी आगमन होने जा रहा है, हमारे MLC सर का भी आगमन हो रहा है, हमारे रामगढ़ जो पड़ोस में पिछली बार भी आए थे युवा विधायक हैं श्री अशोक कुमार सिंह जी, वो भी आमंत्रित हैं, तो सारे लोगों की उपस्थिति हो रही है। विद्यालय के प्रबंधक सर का जो एक सोपान है, प्रथम सोपान है, जो कार्यक्रम की भूमिका है, जो कार्यक्रम की प्रस्तावना है, उसके प्रति आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। और अभी हम हमारे आज के गेस्ट सम्मानित ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर राजेश श्याम सिंह जी प्रिंसिपल जेबी कॉलेज रामगढ़ से निवेदन किया गया, दीप प्रज्वलित हो तो शुरू करें। The theme of our annual function is the concept of clustering and appreciating the imaginative instincts and that the brilliant and talented student of Sang Seta Public School to bring out the higher aptitude. Today is the big day to think of how far we have flung, we have to come and how far we have to go. Along with the multifarious struggle and triumph, there is much more to think and much more to show. Let us rejoin the majestic journey this establishment has up to now. Let's take raise the hands to make it even better. Let's take a vote. Like every auspicious occasion, let us start this event of lamp lighting ceremony and then offering the prayer to Maa Saraswati. He vaadi varadayini kariye hriday nivas, naval sijan ki kamna yahi sijan ki aas. Jaisa ki hum sabhi jante hain ki kisi bhi shaikshik sansthan mein karyakram ko shuru karne se pehle Maa Saraswati ki vandana ki jati hai.
माँ सरस्वती विद्या की जननी है जो समस्त संसार को ज्ञान रूपी प्रकाश देती है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज हम माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे। सो आई वुड लाइक टू कॉल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सरस्वती वंदना टू कम ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। के बीच से उसकी प्रस्तुति होने जा रही है। पूरा सरस्वती समूह, एक सरस्वती नहीं, यहाँ कई सरस्वती आई हैं, और जैसे ही पर्दा उठेगा दीदार हो जाएगा। जी तकनीकी कारणों से ये तारतम्य थोड़ा ब्रेक होता है और कार्यक्रम का जो आकर्षण जीवन के लिए एक संदेश के रूप में दिया। ये वंदना थी, माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित थी। और हम पुनः अभिनंदन कर रहे हैं जितने हमारे दर्शक आ रहे हैं। हम कार्यक्रम का आगाज हो गया है और अगर विलंब थोड़ा विलंब भी सही है, जब भी आए तो समझे कि कार्यक्रम का आगाज है, क्योंकि कार्यक्रम लंबा है। तो मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली,
उठाया उतना ही कर रहे हैं। लगता है कि बिल्कुल रिमोट से चल रहे हैं, रिमोट पे बटन दबती है, सीधे सीधे ये दूरी तय करते हैं और आपके बीच से कार्यक्रम की एक प्रस्तुति के लिए एक बहुत लोग अपने जीवन में उस एजुकेशन पॉइंट पे नहीं जा पाते हैं, हायर एजुकेशन है जहाँ बच्चे यहाँ गए थे। तो आइए हम थोड़ा रिकवर कर रहे हैं जब कार्यक्रम में यहाँ तैयार किया जा रहा है बच्चों को, लेकिन निश्चित रूप से आपके दिलों को छू जाएगी ये जो एक्शन है, ये एक्शन जो परफॉर्म होने जा रहा है। मजबूत रहिएगा साहब, और हर माँ बाप ये चाहेगा कि काश मेरी औलाद भी इसे ऐसे ही मंच उसको नसीब हो जाए जीवन में, उसके जीवन और उसके माँ बाप के जीवन की बड़ी उपलब्धि। जा रहा था और एक चीज तो आपने देखा, बच्चे जो कार्यक्रम आपके बीच दे रहे थे, ये किसी को नसीब नहीं होता है, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे नसीब होता है। एक किरकारी के लिए सदियां गुजर जाती हैं, नसीब नहीं होता परिवार को।
एक ऐसा आंगन जो केवल बागवा तराश रहा है एक माली के रूप में, और इतनी किलकारियां आपके बीच आ रही हैं। आइए जुड़ते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम से, और मैं आमंत्रित करता हूं एंकर कमल। शानदार प्रदर्शन रहा है बच्चों का। नाउ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ टन टन घंटी बजी प्लीज कम ऑन द डांसिंग प्लेटफॉर्म। घंटी बजी स्कूल का समूह प्रस्तुति थी। एसएस पब्लिक स्कूल के हमें लगता है कि एमकेजी यूकेजी के छात्र छात्राओं के द्वारा ये प्रस्तुति थी। और जब कार्यक्रम आपके बीच चलता है हम एक चीज देख रहे हैं, जो शारीरिक भाषा है बच्चों की, मानसिक रूप से तो बिल्कुल अपने को उनके करीब ले जा रहे हैं। जो मानक तय करता है, जो मानक होता है एक कार्यक्रम की प्रस्तुति का, इतना बड़ा मंच और जनाब इतना बड़ा मंच है, तो इस पर आते जाते सब कुछ आसान कर देना बड़ी मुश्किल काम होती है। लेकिन आइए आपके समर्थन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। आज के इस वार्षिकोत्सव जो एसएस पब्लिक स्कूल देवड़ी की प्रस्तुति है, और अगला कार्यक्रम आपके साथ जुड़ रहे हैं, और मैं एंकर को आवाज दूंगा, आप आइए और कार्यक्रम को डिलीट कीजिए। और हमारे एंकर ने नोटिस किया है कि एक लुंगी डांस हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। इधर सर चढ़ के बोल रहा है इस समय, आइए हम कार्यक्रम से जुड़ते हैं। किंग खान, जो हनी सिंगर
मुझों को थोड़ा रंग घुमा गई, अंडा दे जैसा चश्मा लगा गई, कोकोनट में लस्सी मिला गई, आ जाओ सारे मूड बना गई, मुझों को थोड़ा रंग घुमा गई, अंडा दे जैसा चश्मा लगा गई, कोकोनट में लस्सी मिला गई, आ जाओ सारे मूड बना गई, मारे एंट्री यार।